नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में स्थित हैरी क्रिकेट एकेडमी में हैरी न्यू ईयर कप का आयोजन किया गया, जहां अंडर 13 और अंडर 14 कैटेगरी टूर्नामेंट हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर एस चरणजीत सिंह, प्रोफेसर ऑफ खालसा कॉलेज, एस जसपाल सिंह पली, एस हरमिंदर सिंह सैनी सहित राजकुमार जी उपस्थित रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स हेल्पलाइन न्यूज में। आज हम न्यू ईयर के मौके पे KFC प्रेजेंट हैरी न्यू ईयर कप जो है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। ओपनिंग सेरेमनी अभी जस्ट करी गई है और इस वक्त हमारे साथ ऑर्गेनाइजर हैरी सिंह जी हैं। उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके का पर्पस है सर इस टूर्नामेंट को कराने का और बच्चों में कितना उत्साह दिख रहा है। सर, जिस तरह से नए साल में खुशी मनाते हैं लोग 31 दिसंबर की रात को, अभी मैंने पीछे अखबार में पढ़ा था, नवभारत टाइम्स में भी आया था, नेशनल न्यूज़पेपर में, कि ये सिर्फ ऐब लोगों का 31 दिसंबर मनाया जाता है, कि जितने ऐबी लोग होते हैं वो थोड़ा इसको हम इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं। हमने उस खबर को जरूर पढ़ा, हाईलाइट किया गया था उस अखबार में, पर ऐसा था कि वो सच भी है। कई जगह देखते हैं शोरगुल होता है, रात को लड़ाई झगड़े भी होते हैं कहीं ना कहीं, पर उसको हमने ध्यान नहीं देना। हमारा क्रिकेट फील्ड है, हम क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम इस जितनी पब्लिक है, जितने बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, इनको हम ऐसी दिशा में ले जाएं ताकि वो ऐब ख़त्म होते जाए जी। हमारी कोशिश ये थी, तो इस उद्देश्य से हमने न्यू ईयर के अंदर हमने इस टूर्नामेंट को कराने का सोचा और उसमें बच्चे सारे इन्वॉल्व, बड़े उत्साह से आए बच्चे। ठंड भले ही बढ़ रही हो, और उस ठंड का अलग ही मज़ा आता है। जब इंग्लैंड में हमारी टीम जाती है तो वहाँ भी ठंड इतनी होती है जी, तो इस वजह से उनका भी ऐसा एक माहौल देखने, एनवायरनमेंट जैसा मिल जाता है, उसको देखने का मौका मिलता है, बच्चों को समझने का मौका मिलता है। तो ये क्रिकेट के अंदर एक हमारे लिए बहुत नए साल के लिए उपलब्धि है कि हमारे बच्चों ने साथ दिया, जितने भी हमारी टीमों में हमने बुलाया, सब ने हमारा इस आगमन को ठुकराया नहीं, ताकि हम टूर्नामेंट को कामयाब कर सकें। और खासकर जितनी टीमें, डोनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी है और साथ में माउंट अबू स्कूल है एंड GS हैरी क्रिकेट अकेडमी, उन्होंने सब ने बच्चों ने यस कहा है, ताकि घूमने लोग भी जाते हैं। पर थोड़ा सा सर, आपके हिसाब से 2017 में क्रिकेट कैसा रहा है? 2017 में हमारे लिए क्रिकेट बहुत अच्छा रहा, पूरे वर्ष का अगर निकाल के देखें इसका आलंकन, तो उसमें हमारी उपलब्धियाँ काफ़ी रही हैं, जिसमें खासकर विराट कोहली के रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बने पीछे, आपने देखा जो सबसे अधिक रन बनाए, फिर मिताली राज का रहा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के बिल्कुल दस्तक पे रही, दरवाजे पे रही लगभग। तो ऐसा नहीं कि क्रिकेट कम हुआ, क्रिकेट बढ़ रहा है, इन चीज़ों से अवेयरनेस आई है, महिला क्रिकेट की भी बढ़ावा मिला है, लड़कियां भी आगे आई हैं, उनके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया है थोड़ा सा, हमारी अपनी जैसे अकेडमीज में लड़कियाँ बढ़ रही हैं एक एक करके। तो 2017 सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, बहुत ही हमें अच्छा लगा कि हमारे क्रिकेट को जो लोग नहीं भी खेलना चाह रहे होंगे, अवेयरनेस की वजह से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है जी। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ सर हैं, सर से बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मैं चरणजीत सिंह, खालसा कॉलेज से हूँ जी। सर, जैसे 2017 में कहा सर ने कि क्रिकेट बहुत अच्छा रहा है, तो 18 में कैसा लगता है कि किस तरीके से प्लानिंग रहेगी क्रिकेट टीम की भी, इंडिया की, और वैसे जो ग्राउंड लेवल पर बच्चों को मोटिवेट करना होता है? जिस तरह स्तर का क्रिकेट खेला जा रहा है, उस स्तर में तो मेहनत में कोई कमी नहीं होती है, और 17 भारतीय महिला और पुरुषों के लिए बहुत बढ़िया रहा, 18 बढ़िया रहना चाहिए। रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की टीम पुरुषों की बन पाई है अब, और बेस्ट टीम में निकल कर आ रही है, निश्चित तौर पर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, और ये मुझे लगता है हमारे वर्ल्ड कप की तैयारी का। सर, जैसे आज आप यहाँ आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में KFC SK स्पोर्ट्स हैरी न्यू ईयर कप पे, तो आपको यहाँ कैसा माहौल मिला है और क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? आप मेले में जाते हैं बच्चों को लेकर, तो खुशनुमा माहौल होता है, तभी आप जाते हैं बच्चों को लेकर। और यहाँ जो आयोजक हैं हैरी क्रिकेट अकेडमी के, कोच हैं मेरे छोटे भाई की तरह,
उन्होंने ये आयोजन जो किया है वो मुझे लगता है कुछ साधक इस तरह के होते हैं जिन्हें अपनी साधना से मतलब होता है, उन्हें कोई प्राप्य नहीं चाहिए, मतलब किसी तरह की कोई लालच नहीं है। ऐसा आयोजक आपको आसपास कम मिलता है। मुझे लगता है कि दिल्ली में इन आयोजकों के कारण ही जो बी क्लास क्रिकेट है उसका प्रमोशन ऐसे लोग ऐसे साधक करते हैं, और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा आयोजन है, और बच्चों को इंस्पायर करना, बच्चों को प्रमोट करना और उन्हें दिशा देना, ये बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। बड़े लोग जो हैं वो केवल आपका आपके साथी होते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी है इन आयोजकों के लिए वो ही उसा, इसीलिए मैं इन्हें साधक कहना चाहता हूँ। जी सर, जैसे आपने अभी बोला कि बच्चों को कोच चुनने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोच बदला नहीं जाता, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर मैं दिल्ली की क्रिकेट में मैंने जो देखा है दिल्ली में बड़ा एक गंभीर समस्या के रूप में मुझे लगती है, ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है, कि लोग अपने कोच को अक्सर बदल देते हैं इस लालच से कि वो मुझे क्रिकेट खिलाएगा। कुछ लोग दिल्ली छोड़ देते हैं, कुछ कोच छोड़ देते हैं और सिर्फ एक अपनी क्लास क्रिकेट खेले, कोई रणजी खेलने के लिए, कोई टेस्ट खेलने के लिए, कोई छोटी छोटी 19-17 टीम्स के लिए भी कोचेस को बदल देता है। अब दिक्कत क्या है कि अगर जब लगातार आप अपने पिता स्वरूप कोच को बदल रहे हैं तो मुझे लगता है आप में वो क्रिकेट वाले संस्कार नहीं है। अगर क्रिकेट वाले संस्कार नहीं है तो मैं तो निश्चित तौर से ऐसे प्लेयर को टीवी पर नहीं देखना चाहूँगा खेलते हुए। दूसरी समस्या सबसे बड़ी है कि जितने भी थोड़ा दो चार अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद वो 1000-2000 रुपये के मैच खेलने वाले बच्चे जो क्रिकेट के माहौल को पूरा सत्यानाश कर देते हैं, ऐसे क्रिकेटर्स के लिए भी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनका कुछ कर तो नहीं सकता, मैं अपील कर सकता हूँ उनसे कि आप अपने क्लब के लिए, अपनी टीम के लिए, हमारे यहाँ जब हम लोग खेला करते थे उस समय ये कल्चर नहीं था क्रिकेट का जी, उसमें वो अपने पिता स्वरूप कोच के कहने भर से वो दिन रात मेहनत करते थे, वो अपने क्लब को जितवाने के लिए सोचा करते थे, खेला करते थे और इतनी लगन कि उन्हें कभी और दूसरा ख्याल ही नहीं आता था। लेकिन आज वो इसलिए कोच बदल देते हैं कि वो मुझे खिला नहीं पा रहा है। या तीसरी एक समस्या मुझे लगता है कि माता पिता की दखल कुछ अपेक्षाकृत अधिक हो गई है जी। माता पिता कोच पर दबाव डालते हैं, इतना दबाव कभी किसी तरह का आप समझ रहे हैं, कभी दूसरी तरह का, वो दबाव से कई बार चीज़ें बिखरती हैं जी। आप उससे मुझे मेरा निवेदन है कि पेरेंट्स अगर कोच पर विश्वास करके अगर उस पर उसके सिलेक्शन में दखल न दें तो मुझे लगता है कि कोच वही काम करता है जो बच्चे के भले के लिए होता है। मैं हरमिंदर सिंह, डायरेक्टर ऑफ KFC एंटरप्राइजेस। ये पहला साल का 2018 का पहला टूर्नामेंट जो हैरी जी ने करवाने जा रहे हैं। इस टूर्नामेंट का यही था कि बच्चों को एक नई दिशा मिले पहले फर्स्ट 7-8-10 डेज में, क्योंकि छुट्टियां भी हैं और उनका ये टाइम वेस्ट ना हो। और इस टूर्नामेंट को लेके बच्चों को यही हमने गाइड किया है कि जिस भी दिशा में जा रहे हैं वो बैट्समैन, बॉलर या फील्डर्स के रूप में, वो एक अपना कीर्तिमान स्थापित करें और एक नई दिशा में चलें। हैरी जी, जैसे आप लगातार टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो कैसा आपको दिखता है बच्चों का भविष्य, कितना सिक्योर हाथों में जा रहा है बाहर? देखो, अपनी तो कोशिश यही है बच्चों को कि जितना स्पोर्ट्समैन है अगर उसके अंदर हुनर है तो उभर के बाहर आए, क्योंकि यही एज है कि जिसमें वो अपना हुनर दिखा सकते हैं और नेक्स्ट 18 या अंडर 19 के लिए वो अपने आप को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ राजकुमार जी हैं जो NIS कोच हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। सर, आज आप यहाँ हैरी कप में आए हैं, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है और नए साल पे पहले आपको और देशवासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि मैं हमेशा लकी रहा हूँ। हैरी एकेडमी में 15 साल से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले एज ए कोच सेंट्रल स्कूल रानीबाग में जुड़े थे, उसके बाद इस एकेडमी से काफ़ी लड़के दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, उसमें गगन सोडी हैं,
U23 खेले थे सनम मेहता है, तो काफ़ी लड़के जो यहाँ से गए एकेडमी से, मुझे खुशी है कि मैं इस एकेडमी के साथ शुरू हुआ था और आज मैं DAV स्कूल में भी हूँ। और खुशी होती है कि ये बच्चे, इनको मोटिवेशन और जो गेम है इनपुट, तो हम नेट पे एक स्किल की तरह उनको दे सकते हैं, बट जो स्किल हमने दी है, किसी भी कोच ने दी है या एकेडमी में ली है, वो टूर्नामेंट के दौरान हमारे सामने आती है कि उसने कैसी कोचिंग की है, वो कितना डेडिकेटेड है अपने स्पोर्ट्स के लिए। IPL है, उनमें भी आज दरवाजे खुले हमारे देश में क्रिकेटरों के लिए, तो एक अच्छा प्लेटफार्म होता है बच्चों को कि हम छोटे छोटे टूर्नामेंट्स, ये नहीं कि हम BCCI के या स्कूल के खेलें, जो भी हम टूर्नामेंट खेलें 100% हम उसमें अपना देते हैं, तो हमें अपने आप का एनालिसिस करने का मौका मिलता है। पेरेंट्स को, पेरेंट्स तो चाहता कि मेरा बच्चा इंडिया खेले, लेकिन एक कोच वो एक माँ बाप से बढ़ के होता है, उसके पास 25 बच्चे, 50 बच्चे, 100 बच्चे होते हैं, वो उन्हीं में से अपना एक भविष्य देखता है, मेरा कोई अर्जुन देश के लिए निकले, और उसी के दौरान ये टूर्नामेंट चलते रहते हैं। और खुशी है कि गवर्नमेंट भी हमें कुछ सपोर्ट करे इस चीज़ के लिए कि जो टूर्नामेंट छोटी अकेडमियाँ जिनको हम बोलते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी अकेडमियाँ होती हैं, क्योंकि यहीं से हमारी नींव, मकान की नींव भर दी जाती है, जैसे इन प्लेयरों के अंदर एक स्किल बढ़िया तरीके से एक बढ़िया अकेडमी और बढ़िया कोच भर सकता है, मजबूत किया जाता है, तो बाद में हम डेकोरेशन जो मर्जी कर लें, और करते भी हमारे देश में, थोड़ा सा दुर्भाग्य है प्लेयरों के साथ और उन कोचेज के साथ कि जो मेहनत है उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। मैं एज ए कोच ये जरूर कहूँगा। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ हैरी क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन JS पाली जी भी हैं, उनसे पूछते हैं, सर ये आपका इस साल का पहला टूर्नामेंट है, तो किस तरीके की शुरुआत बच्चों को दी जा रही है? सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं आपको और देशवासियों को, और ख़ास करके दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो हो रहा है हमारी दिल्ली के अंदर, आज नए साल में KFC SK के नाम से टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट तो हमने बहुत कराए, स्कर्नी, बंदा बहादुर, आपने लास्ट में देखा होगा KFC, इस सारे जो टूर्नामेंट है बड़े अच्छे निकले और बच्चों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों के साथ एक अच्छा बिहेव किया जाए, उनको प्यार दिया जाए, उनको मजबूत किया जाए, ताकि वो आगे खेल सकें। और मैं इन सारे गेस्टों का, जितने मेरे यहाँ आए हैं, डॉक्टर साहब, राजकुमार जी जिन्होंने बहुत अच्छा बोला है, हरिंदर सिंह जी, मैं इन सबका धन्यवाद करता हूँ, और मेरी कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी आपके आभारी है कि आप लोग इस चीज़ को आगे और पहुँचाते हैं, फैलाते हैं, दिखाते हैं सबको। आपका जो है स्पोर्ट्स के नाम से स्पोर्ट्स हेल्पलाइन का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये बहुत हमारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे को आगे पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हैरी सिंह जी, जिन्होंने आज बताया और सर ने बताया कि किस तरीके से न्यू ईयर पे ये जो कप कराया जा रहा है, ये इसलिए है कि बच्चों को नए साल की शुरुआत, एक स्टार्टअप भी अच्छा मिल सके, उनका गेम बूस्ट हो सके, बेहतर हो सके, और जो उनका भविष्य है वो एक सही हाथों में, सही दिशा की ओर बढ़ सके। कैमरा पर्सन अमन के साथ पवन कुमार जुनेजा, स्पोर्ट्स हेल्पलाइन, न्यू दिल्ली।